मैं हूँ सरवत जहरा, कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा आदाब इस बहुत ही मसालेदार, चटपटे और प्यार भरे शो में जिसका नाम है अक्स-ए-रसोई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी शो पर हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी से। हालांकि वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि सायरा जी और भी कई कुकिंग इंस्टीट्यूट्स में बतौर टीचर काम करती हैं। तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। सायरा जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, एक्सपर्ट से ही जानते हैं कि आज की हमारी दो रेसिपीज क्या है। सायरा जी, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे शाही राजमा। शाही राजमा, इसको किस तरह से बनाने वाली हैं आप, थोड़ा सा एक आइडिया दे दीजिए। ये जब मैं बनाऊंगी तो आप भी देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इसमें क्या क्या सामान इस्तेमाल करना है। तो हमें चाहिए उबले हुए राजमा, बीन्स कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी, कटी हुई प्याज, गाजर का अचार, और ये हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा, टमाटर और गार्निश के लिए क्रीम। ठीक है, तो शुरुआत करें। जी, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेंगे कढ़ाई। इसमें जो राजमा है वो आप बॉइल्ड यूज कर रहे हैं? जी, इसको रात भर भिगोकर और सुबह में इसको नमक के साथ थोड़ा सा बॉइल कर लें। ठीक है, तो इसमें ऑयल डालें? जी, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल का यूज़ हमें कम करना है इसमें। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दाल या फिर ये राजमा है, अगर हम इसमें वुडन स्पून का यूज़ करते हैं तो ये गाढ़ी बनती है। गाढ़ी बन जाती है, पानी पानी नहीं। जी, पानी और दाल जैसे अलग होती है वो नहीं होता। तो हम इसमें वुडन स्पून का इस्तेमाल करेंगे। अरे, इसमें जनरली टिपिकली जो तरीका होता है राजमा बनाने का, उससे हटकर आप क्या करने वाली हैं? उससे हटकर ये है कि जैसे हम राजमा बनाते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम काली वाली दाल होती है मसूर की, या तो वो थोड़ी मिक्स करते हैं इसके अंदर, या फिर प्याज का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं प्याज का पेस्ट इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं उसकी जगह इसमें बीन्स डालूँगी। ठीक है, और उसकी कोई ख़ास वजह? इसमें ये होगा कि राजमा के साथ जो है हमारे बीन्स, वो ग्रीन ग्रीन जो लुक आता है वो काफ़ी अच्छा होता है और टेस्ट भी इसका थोड़ा चेंज हो जाता है। चलिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप क्या डालेंगी? सबसे पहले हमें डालना है इसमें जीरा। तो जब जीरा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें फिर प्याज डालेंगे। इसमें जैसा आपने कहा कि ज्यादा तेल का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। जी, हमें अच्छी तरह से इसे भूनना है जीरे को, या फिर हल्का हल्का? इसमें हमें लाइट ब्राउन रखना है, जैसे कि अब ये हो चुका है लाइट ब्राउन, तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। ठीक है, प्याज भी आपने चॉप करके इसमें डाल दिए। कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो नहीं खाते लहसुन अदरक, तो अगर वो उसका पेस्ट ना डालें तो भी मतलब राजमा अच्छा बन जाता है टेस्टी। इसको भी आपने हल्का गुलाबी करना है या डार्क ब्राउन? सिर्फ हमें लाइट रखना है इसको। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, बहुत मामूली सा डालते हैं इसमें, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। जी, थोड़ा सा? जी, बस। फिर इसके बाद हम इसमें एक स्पून दे दीजिए, फिर टमाटर डालेंगे। आप पहले भी शो पर बता चुकी हैं कि लहसुन अदरक के साथ जनरली पानी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो छींटे उड़ती हैं उससे बचा जा सके। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया। ठीक है, ये हम थोड़ा सा डालेंगे बिल्कुल। हल्दी पाउडर, और हल्दी डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें। ठीक है,
फिर मिर्च पाउडर हम डालेंगे वो टेस्ट के अकॉर्डिंग जी, नमक ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, हरी मिर्च, और फिर लास्ट में हम डालेंगे बीन्स। जब मसाला हमारा भुन जाएगा जी, मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें बीन्स डालेंगे। अब बीन्स डालने के बाद हम थोड़ा पानी डालेंगे इसमें जी। अब हमें इसके अंदर पानी इतना डालना है कि हमारे बीन्स जो हैं वो गल जाए। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे राजमा। अरे जी, इसे और जल्दी पकाने के लिए क्या बीन्स को भी बॉईल किया जा सकता है? हाँ, अगर आपको मतलब बहुत जल्दी बनाना है तो आप इसको बॉईल कर सकती हैं। दोनों चीज़ें एक साथ हो गई हैं। अब हम इसको कुछ देर ढककर पकाएंगे। ठीक है, और जब हमारा ये थोड़ा सा गल जाएंगे, बीन्स जो हैं वो गल जाएंगे, तो फिर हम इसमें अचार मिक्स करेंगे। ठीक है, अंदाजन कितना मिनट लगता है? देखिए बॉईल हैं तो ज़्यादा मिनट नहीं लगेंगे, हमें सिर्फ 5 मिनट इसको पकाना है। तो चलिए नाज़रीन, 5 मिनट का इंतजार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, रुक करते हैं शाही राजमा का और देखते हैं कि वो पकी है कि नहीं। आइए, तो अब ये समझिए बिल्कुल तैयार हो गया है जी। तो अब हम इसमें थोड़े से अचार को मिक्स करेंगे। अचार जी, गाजर का अचार, रेडीमेड अचार दिया जी। ओके, आप मुझे स्पून दे दीजिए। इसमें हम थोड़ा सा अचार मिक्स करेंगे जी। हम इसमें गाजर का इस्तेमाल ही करते हैं या फिर किसी और? आप कुछ भी डाल सकते हैं, अचार डाल सकते हैं। अचार कोई भी। फिर डालेंगे इसमें हरा धनिया, और थोड़ी सी क्रीम। ये क्रीम आसानी से मार्केट में अवेलेबल है जी, जहाँ पर दूध घी पनीर मिलता है आपको वहाँ मिल जाएगी जी। इसे भी आप अच्छी तरह मिक्स कर देंगी। अब हमें ये इतना पकाना है कि जो क्रीम का वाइट कलर है जी वो राजमे में मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाए, ठीक है। फिर जब ये हमारा तैयार हो जाएगा तो हम इसमें गरम मसाला डालेंगे लास्ट में। ठीक है, ये गरम मसाला लास्ट में डालने की कोई ख़ास वजह? अगर जैसे हम देखिए, अगर कोई चीज़ हमें कलरफुल, जैसे अब ये राजमा है, इसमें अगर हम अभी गरम मसाला डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस गरम मसाले से थोड़ा सा ना काला हो जाता है। अच्छा, तो इस वजह से लास्ट में डालते हैं, क्योंकि जब वो डालते हैं तो वो हीट पर रहता है और पकता है, तो जिसमें भी हम डाल रहे हैं तो वो चीज़ हमारी थोड़ी थोड़ी काली हो जाती है, तो उससे बचने के लिए हमें गरम मसाला भी अगर ज़रूर डालना है तो चूल्हे से उतार कर तब हम डालें। तो अब ये तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गैस ऑफ कर दिया हमने जी। तो एक स्पून और दे दीजिए। इसमें मामूली सा डालेंगे जी, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब बारी आएगी इसकी सर्विंग की जी। सर्व करने के लिए हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे। ग्रीन ब्राउन शेड आ रहा है जैसे इसमें, तो ये काफी अच्छा लुक देता है।
और जैसे गाजर का अचार हमारा ये डला हुआ है, तो इसमें ये रेड कलर आ रहा है। फिर इसके बाद कलरफुल राजमा, अब हम इसको गार्निश करेंगे क्रीम के साथ। तो नाजरीन बनकर तैयार है शाही राजमा। शुक्रिया सायरा जी। तो लीजिए दोस्तों, आज की पहली डिश बनकर तैयार है। इसे घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। शाही राजमा बनाने के लिए चाहिए राजमा, बीन्स, अचार, नमक, लाल मिर्च पाउडर, टमाटर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, प्याज, हरी मिर्च, क्रीम, तेल, जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट। शाही राजमा बनाने का तरीका, सबसे पहले एक कढ़ाई लें, उसमें तेल, जीरा, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, पानी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरी मिर्च, बीन्स और राजमा डालकर पकाएं। फिर पकने के बाद उसमें अचार, हरा धनिया और गरम मसाला डालकर मिक्स करें और एक सर्विंग प्लेट में निकाल कर सर्व करें। तो चलिए अब सायरा जी से जानते हैं कि आज की अगली डिश क्या है। सायरा जी, अब क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे कॉर्न पास्ता सैलेड। कॉर्न पास्ता सैलेड, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, आप इसके इंग्रेडिएंट्स नाज़रीन को बता दीजिए। हमें चाहिए पास्ता, काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, सफेद नमक, कॉर्न, हरा धनिया, लेमन जूस और मक्खन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें पास्ता जो हमारा है उसको हमें बॉईल करना है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पहले हमें पानी इतना लेना है कि पास्ता हमारा अच्छे से गल जाए और पानी तब भी बचा रहे, उबलने के बाद तो वो फिर चिपक जाता है बस, तो इसलिए वो चिपके नहीं, तो हम पानी को ज्यादा लेंगे। आप मुझे स्पून दे दीजिए। और पास्ता जब हम बॉईल करेंगे तो हमें इसको बीच बीच में थोड़ा सा चलाना है, तो इसलिए अगर हम ना ढकें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे आमतौर पे हमने देखा गया है, देखा जाता है कि जनरली पास्ता के साथ अगर और भी चीजें आप मिक्स करना चाहें तो मिक्स कर सकते हैं, तो इसमें आप उसी टिपिकल तरीके से बनाएंगे या कुछ अलग तरीका है इसमें बनाने का? देखिए, वैसे तो कॉर्न पास्ता जो है ये बनेगा काली मिर्च काले नमक से, लेकिन मैं इसकी गार्निश जो है शिमला मिर्च और टमाटर से करूँगी ताकि थोड़ी और मिक्सिंग हो जाए और ये कलरफुल भी हो जाए। अच्छा, ठीक है। और काली मिर्च का पाउडर और काला नमक डालने की कोई खास वजह होती है? देखिए, काला नमक जो होता है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। अच्छा, तो इसलिए अगर हम इन चीज़ों में ये काला नमक का यूज़ करते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो सही रहता है, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है पास्ता है जैसे ये सूट नहीं करता है, क्योंकि ये सूजी का होता है या कभी चावलों का होता है या कहीं कहीं पर आपको मैदा का भी शायद मिल सकता है, तो उसकी वजह से हम काला नमक और लेमन जूस यूज़ करते हैं। जनरली हम हेल्थ की वजह से मैदा अवॉइड ही करें तो अच्छा है, और चावल का अगर इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आजकल अगर सारी हाउसवाइफ्स, ज्यादातर देखा गया है कि हाउसवाइफ्स होती हैं, तो सुबह में अगर जल्दी उन्हें अपने बच्चों का नाश्ता तैयार करना हो तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, या लंच में अगर उनका लंच बॉक्स तैयार करना हो। तो इसे अब हम उबलने तक का इंतजार करेंगे ताकि अच्छे से जो हमारा पास्ता है वो सॉफ्ट हो जाए। जी, कुछ लोग इसको बहुत चटपटा बनाते हैं लेकिन बच्चों के लिए तो फिर वो नुकसान देता है, कि जैसे उसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप काली मिर्च का करें तो वो ज्यादा सही रहता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा इंतजार करते हैं ताकि जो हमारा पास्ता है वो अच्छे से गल जाए। दोस्तों, देखते हैं कि हमारा पास्ता प्रॉपरली गला है कि नहीं। आइए सायरा जी उसे चेक करते हैं। आप देख लो, आप मुझे बोलते हैं, इसको निकाल के हम ऐसे स्पून से चेक कर लेंगे। तो ये तकरीबन तैयार हो ही गया है, क्योंकि टूट रहा है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे चाउमीन बॉईल करते हैं या फिर पास्ता बॉईल करते हैं तो वो आपस में थोड़ा चिपक जाता है, तो उसको ताकि वो चिपके नहीं, उससे बचाने के लिए जैसे अब हम पास्ता बॉईल कर रहे हैं तो इसमें अगर 2-3 बूंद ऑयल की डाल दें तो ये आपस में चिपकता नहीं है। इसी तरह से चाउमीन का है, अगर हम उसको बॉईल कर रहे हैं और उसके अंदर 2-3 बूंद ऑयल की डाल दें तो वो भी नहीं चिपकते, नूडल्स आपस में नहीं चिपकते। जी, ठीक है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसका पानी अलग कर देते हैं। ठीक है।
दोस्तों हमें उम्मीद है कि सायरा जी के थ्रू दी गई ये टिप आप जरूर इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसको चटनी में छान लेंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा सॉटे करने के लिए एक फ्राई पैन लेंगे। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे बटर और जो हमने स्टीम की हुई है कॉर्न को, तो वो मिक्स करेंगे। यानी कि अब हम सिर्फ इसकी मिक्सिंग करेंगे। स्पून दे दीजिए मुझे। वैसे आजकल सायरा जी जो स्वीट कॉर्न है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं आसानी से। आई थिंक स्टीम्ड भी अवेलेबल हैं। जी। तो वो भी हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बटर हम डालेंगे पहले इसमें, जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें स्वीट कॉर्न डालेंगे। जी। जो लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और बटर नहीं डालना चाहते, तो आजकल जो बटर है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री आ रहा है। जी जी, तो आप वो भी ले सकती हैं। जी। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा हम बटर यूज नहीं करते हैं उसको, जैसे अब ये है कि काला नमक भी है और लेमन जूस भी है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। जी। अब ये सॉटे हो गया तो हम ये डालेंगे। यदि सॉटे हो जाएगा तो हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। ठीक है, बहुत हल्का सा, ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है, और गैस हम थोड़ा सा लाइट कर लेंगे मिक्सिंग पर। फिर हम थोड़ा सा और बटर लेंगे। बटर का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बस मामूली सा लेंगे क्योंकि हमने पहले कॉर्न में डाल लिया है। फिर हमने जो ये पास्ता बॉईल किया है हम इसको सॉटे करेंगे बटर के साथ। हम गैस ऑफ कर देंगे। दोनों को आप मिक्स कर रही हैं। जो हमारे स्वीट कॉर्न थे जिन्हें हमने बटर में सॉटे किया था, और जो अब हम इसमें काली मिर्च मिक्स करेंगे। जी, काली मिर्च का पाउडर है ये, अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे। ठीक है, काला नमक, थोड़ा सा वाइट नमक डालेंगे। जी, थोड़ा सा धनिया और लेमन जूस। लेमन जूस बहुत सबको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर हम इनको मिक्स करेंगे। फिर हम इसको गार्निश करेंगे टमाटर और शिमला मिर्च से। ठीक है, तो गार्निश का मतलब ये है कि थोड़ा सा मैं मिक्स करती हूँ और फिर उसको गार्निश करूँगी जब मैं सर्विंग प्लेट में करूँगी। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी इसमें मिक्स कर देती हूँ कलर के लिए। अब हम इनको सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसके लिए लेंगे एक सर्विंग प्लेट और एक बड़ा स्पून मुझे दे दीजिए।
फिर हम सर्व करेंगे। गार्निश करेंगे दोबारा जो हमने उसमें डाला था जी। उसके बाद आप ऊपर से भी इसकी टॉपिंग्स डाल दें। हरी शिमला मिर्च के अलावा और भी हेल्दी बनाने के लिए क्या हम और तरह की शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कलरफुल भी आती हैं, जैसे रेड भी होती है, येलो भी होती है जी। वो भी हम डाल सकते हैं। तो नाजरीन, बनकर तैयार है कॉर्न पास्ता। शुक्रिया साया जी। तो लीजिए दोस्तों, हमारा हेल्दी पास्ता तैयार है। इसे घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। कॉर्न पास्ता सैलेड बनाने के लिए चाहिए स्वीट कॉर्न, पास्ता, काली मिर्च, काला नमक, नींबू का रस, नमक, तेजपत्ता और बटर। कॉर्न पास्ता सैलेड बनाने का तरीका, सबसे पहले एक पैन ले, उसमें पानी और पास्ता डालकर बॉईल करके एक बॉल में निकाल ले। फिर एक पैन में बटर और स्वीट कॉर्न डालकर भूने और एक बॉल में निकाल ले। फिर उस बॉल में उबली हुई पास्ता, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, नमक, हरा धनिया और नींबू का रस डालकर मिक्स करें और एक सर्विंग प्लेट में निकाल कर सर्व करें। नाजरीन, आप तो जानते हैं कि हर फ्राइडे हम आप में से ही किसी एक व्यूअर का खत अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रेसिपी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो जल्दी से उसे खत के जरिए हम तक पहुँचा दीजिए। अपनी रेसिपी भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा एड्रेस। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 थर्ड फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार दो नई सेहतमंद रेसिपीज के साथ हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा। खुदा हाफिज़।